आज की हमारी रेसिपी जितनी होगी स्वादिष्ट उतनी ही है ये आसान। जैसे खाने के साथ हम सैलेड को ऐसे ही हमारा एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है बिना किसी मेहनत के, बहुत ही कम मेहनत में, वैसे ही हमारे ये पेड़े बनके होंगे तैयार अलग सा लुक लिए हुए। तो और मिठाइयों के साथ इस मिठाई को तो आप एक्स्ट्रा ही मान के चलते हैं। बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान होगी तैयार। तो चलिए फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। पेड़े बनाने के लिए हमने लिया हुआ है मावा, 200 ग्राम मावा है मेरा, 1 kg दूध का मावा निकला है ये, मैंने घर में बना के रख लिया था। 1 kg दूध के मावे में 1 छोटी कटोरी है शुगर पाउडर, चीनी का बुरादा है, इसमें आप चीनी का बुरादा ही डालिए। एक तो ये लंबा स्टे करेगा, ख़राब नहीं होता है, दूसरा इसका स्वाद भी जो है बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 कटोरी कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा सूखा, ये भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मावे को कढ़ाई में डाल के हमें इसे फिर से भूनना होगा। अगर आप मार्केट का भी लाते हैं मावा, उसे भी आपको भूनना होगा क्योंकि वो पूरी तरह से पकी हुई नहीं रहती, कच्ची रहती है वो। तो इसे हमें भूनने पे ध्यान देना होगा पेड़े बनाने के लिए। इसे हम भून लेंगे, मावे में खुद ही जो है वो घी होता है तो हमें घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे सुनहरा होने तक। पहले हमारा जो मावा है वो लूज़ हो जाता है, ढीली पड़ जाती है, बाद में वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। जब वो टाइट होनी शुरू हो जाए और हल्की सी सुनहरी हो जाए, मावे को बस हमें लगातार चलाते हुए रहना होगा, नहीं तो मावा हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क है, कलर उसका आ जाएगा। तो हमें इसे ध्यान रखना होगा, हल्का सुनहरा जो है वो हमें होने देना है मावे को, हमें बहुत ही अच्छे से इसे भुनना होगा। अब हमारा मावा भुन गया, कलर जो है इसका सुनहरा हो गया, इसे प्लेट में हम कर लेंगे ट्रांसफ़र और होने देंगे इसे ठंडा। 20 मिनट से हो गए हमारे ऊपर, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए उसमें मैं हम डालेंगे चीनी का बुरादा, 2 चम्मच चीनी का पाउडर मैंने एक प्लेट में कर लिया है, अलग से रख लिया हुआ है, और इसमें हम डाल रहे हैं कोकोनट का पाउडर। अब हाथों से, हथेलियों से जो है हम इसे अच्छे से मसल मसल के इसे मिक्स करना है, ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जितने अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे उतना ही हमारा स्मूथ सा ये पेड़ा बनके होगा तैयार, कहीं से भी ये क्रैक नहीं होगा, दरारें नहीं आएंगी हमारे पेड़े में, स्वाद भी इसका जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो मिक्स करने में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, और जिस आकार के आपको रखनी है, पेड़ों को बनाना है उस आकार का लेके, मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ, इसे हम फ्लैट करके अपनी हथेलियों पे घुमाएंगे। इसका जो आकार है आप ऐसे देंगे पेड़े का तो बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम चीनी के बुरादे में कोटिंग करेंगे, जो हमने अलग से रखी हुई थी उनका हमें यहाँ पे यूज़ करना है। एक्स्ट्रा शुगर पाउडर जो है वो हम निकाल देंगे, जितनी ज़रूरत हो उसमें कोटिंग आएगी। बीच में उंगलियों से प्रेस किया और इसमें डाल के निकाल दिया। मिठास आपको जितनी रखनी है, शुगर आप उतनी अपनी मेजरमेंट से घटा बढ़ा सकते हैं। तो एक फटाफट बनके तैयार होने वाले ये पेड़े बहुत ही टेस्टी, दिखने में इतने अच्छे कि एक की जगह खाने वाले इसे 2-4 खा जाएंगे। बनाएं, खाएं, खिलाएं, फिर मिलेंगे।